हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन फॉर क्लॉक। यह हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो चल रहा था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है टाइम को पढ़ना। लास्ट वीडियो में हमने आपको टाइम को सामान्य रूप से पढ़ना बताया था कि किस प्रकार से पढ़ते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो आप, जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पर है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पर है। तो इसको क्या टाइम पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ते हैं 7 o'clock। ये हमारा टाइम होता है, ठीक है। ये हमारा जो टाइम पढ़ते हैं बच्चों, वो होता है 7 o'clock। बट टाइम को हम और अलग अलग तरीकों से ही पढ़ सकते हैं। लाइक जैसे आप यहाँ देख सकते हो, शॉर्ट हैंड किस पर है, 9 पर है, और लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो शॉर्ट हैंड आवर्स का होता है और लॉन्ग हैंड मिनट का होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 o'clock, clock, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम को पढ़ते हैं। बट अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं और अलग तरीकों से टाइम को पढ़ना। स्टार्ट। इफ द लॉन्ग हैंड इज एट एनी अदर नंबर देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5। तो बच्चों आपको ये चीज भी है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सामान्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 नंबर होते हैं। बट यहां से यहां तक अगर हम मिनट को देखेंगे तो मिनट में यहाँ पे टोटल होते हैं 16 मिनट। यदि हम पूरे 12 तक में घुमाकर लेकर जाते हैं, ठीक है, एक राउंड जो होता है, तो आपको अलग अलग राउंड के बारे में पता होना चाहिए। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ओके। 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ओके। और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो बच्चों ये इस तरीके, यहां आप देख सकते हो बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो हमारा एक बीच में एक और कांटा घूमता है जिसे हम सेकेंड का कांटा बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक राउंड ऑफ पूरा करता है, तो हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें हमारे जो है क्या हो जाते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और 1 आवर्स में 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यू प्रॉपरली लर्न, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इफ द लॉन्ग हैंड इट इज एनी अदर नंबर देन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5। तो ये जो बीच के जो नंबर दिख रहे हैं इसको हम मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 तक आ गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पर आया तो ये हो जाएगा 6 5 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अगर 9 पे आया तो 9 5 45, 10 पर आया तो 10 5 50, 11 तो 11 5 55, और 12 पर आया तो 12 5 60। सो कंप्लीटली दिस वन रोटेशन कॉल्ड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड आवर्स का यदि घूम कर जाता है तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। तो इन दिस क्लॉक द लॉन्ग हैंड इज एट 6, ठीक। अगर मान लो सपोज के जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पर है, तो मल्टीप्लाई 6 into 5, 30। द शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 5 and 6। यदि जो शॉर्ट हैंड है वो 6 और 5 के बीच में है और लॉन्ग हैंड 6 पर है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टाइम होगा 5:30, ओके। ये एक और तरीका है। एक तरीका तो हमने ये सीखा था 7 o'clock, बट इसको अब इस प्रकार से भी बोलना है जब नंबर अलग जगह पर हो। यहां पर आपको बच्चों बताया था कि लॉन्ग हैंड अगर 12 पर है तो हम सीधे कह सकते हैं 7 o'clock। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे आपको बता देता हूं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम बोलते हैं 7 o'clock। बट इस तरीके से यदि हमें अब ये 12 जो लॉन्ग हैंड है ये अगर 3 पर हुआ, 4 पे, 5 पे, 6 पे, अदर एनी किसी नंबर पे होता है, तो फिर हम टाइम को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाफ पास्ट 5, यानी ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं 5:30 बज जाना। ओके, व्हेन मिनट हैंड इज एट 9 वी रीड 1/4 to 1 hour। और जब ये जो हमारा जो बड़ा काटा होता है लॉन्ग हैंड जो है, यदि वो 9 पर हो, देखो 6 पर था तो हमने क्या टाइम बोला, हमने कहा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ पास्ट टाइम। क्या कहा बच्चों, हाफ पास्ट 5। बट अगर हमारा ये लॉन्ग हैंड 9 पर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं 1/4 to 1 hour। एंड जब अगर ये 3 पर हो, ये लॉन्ग हैंड 3 पर है, तो हम इसको पढ़ते हैं पास्ट 1 hour। तो बच्चे इसको पढ़ते हैं हम रीड 1/4 past 1 hour। अब एग्जांपल देखो, अगर टाइम हमारा इस प्रकार से है 9:45, इट इज रीड एज 9:45। इसमें बच्चों ध्यान रखना कि जनरली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि इस प्रकार का समय होता है तो इसको बोलते हैं 9:45। क्या कहते हैं, 9:45, यानी 10 बजने में भी 15 मिनट की देर है। तो इंग्लिश में इसको रीड करते हैं 9:45। क्या कहेंगे, 9:45, 9:45, समझ में आ रहा है, 9:45 तो इंग्लिश में होता है 9:45। और अगर इस प्रकार से हो तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं 4:15। हिंदी में इसको बोलते हैं 4:15, ठीक है। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं 4:15, यानी 4:15। तो बच्चों आपको इस तरीके से भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, जब 6 पर है तो हाफ हो जाएगा, 9 पर है तो 1/4 होगा, और यदि वो 3 पर है तो वो 1/4 past कहलाता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इसके क्वेश्चन आपको मैं अभी बता रहा हूं। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, रीड द टाइम फ्रॉम द क्लॉक एंड फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट यहाँ एग्जाम्पल कंप्लीट दिया है, लॉन्ग हैंड 6 पर है, शॉर्ट हैंड 2 और 3 के बीच में है, क्या टाइम हुआ 2:30, इसको बोलते हैं 2:30, 2:30, इसको हम हिंदी में ढाई भी बोलते हैं। बट अब यहाँ देखो, ये 9 और 10 के बीच में है, और क्या हो गया, तो इसको टाइम हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसका टाइम हम लिखते हैं 9:30 और में हो जाएगा 1/2 past। अब किसके समय आ रहा था, 9 का, ये हमारा इस तरीके से टाइम यहां पर सेट होता है, 9:30 या 9:30। ओके, नेक्स्ट यहां पर दिया है, तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, 6:05। ओके, 5 हो गए, और अगर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको सीधा लिखेंगे 6:05, इसको क्या लिखेंगे, 6:05। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको आपकी बुक फिलअप करना है, समझ में आया, तो आपको ये टाइम अच्छे से याद करना है, फिल करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे आगे आप देख सकते हो, 9 पर शॉर्ट हैंड है, लॉन्ग पर 3 पर लॉन्ग पर है, तो यहाँ टाइम क्या हुआ हमारा, 9:15 या 9:15। ऐसे सारे समय हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको इसे अपनी कॉपी में बनाकर लिखना है। ओके,